हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था, लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेके चल रही है इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं आपको आना ही है, हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई तो 11 को आ जाएंगे, तो 11 को बोले। लेकिन इस बीच में जो ईडी का और हमारा कम्युनिकेशन हुआ था इसका मुझे आप सबसे शेयर करना है। देखिए जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें, और पूरा पूरा इसका लॉ में हमें सपोर्ट है वुमेन के लिए, और बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हैं जिनमें जजमेंट वुमेन के तरफ आए। तो हमने ईडी को बीच में रिक्वेस्ट किया कि 10 तारीख को बाकायदा, अगर 11 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेट करना है हमारे घर पे आइए, अक्यूज किसी के साथ आपको इंट्रोगेट करवाना है तो उनको भी लेके आइए, हमें बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा नहीं आपको खुद चल के आना होगा। देखिए मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूँ, लकीली बाय गॉड्स ब्लेसिंग पूरा पार्टी हमारे साथ है, हमारे पास साधन है तो हम पहुँच सकते हैं। लेकिन मैं मीडिया मित्रों से ये पूछना चाहती हूँ, कई आम महिला किसी गांव में है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इतना हमने कोविड के दौर में देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेडिसिन भी पहुंच सकता है, डायग्नोसिस भी हो सकता है, तो इंटरोगेशन क्यों नहीं हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से। हम ज़रूर इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशनरी स्कीम आना चाहिए, व्हेन पुलिस और एनी डायरेक्टरेट और एनी एजेंसी वॉन्ट्स टू इंटरोगेट वुमेन देर शुड बी ए फैसिलिटी टू बी डन बाई ए वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसके लिए हम आगे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हर जगह भी जाएंगे। इट इज़ नॉट अबाउट मी, इट इज़ फॉर एवरी कॉमन वुमेन इन दिस कंट्री। आई वॉन्ट टू टेक अप दिस इश्यू एंड वी विल फर्दर टेक अप द इश्यू। नाउ व्हेन इट कम्स टू द ओरिजिनल ईडी समन, वी विल कम्प्लीटली साइड विद देम, सपोर्ट विद देम, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंड द ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एजेंसीज, वी विल 100% सपोर्ट देम। टुडे द क्वेश्चन इज, when we look at Telangana data from last August, in fact from last June, government of India has constantly been sending its agencies to Telangana. Now question is why? Because Telangana assembly polls are there in this November December, so the modus operandi of BJP has been ki jahan bhi election hai wahan Modi se pehle ED pahunch jata hai. To hamare Telangana mein bhi yahi hua hai, तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे एक 500+ बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है, सीबीआई के रेड 100 होता है तेलंगाना के राज्य में, ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है, और एनआईए एजेंसी ने 500-600 मिनिमम लोगों को बुला के उनको डरा के धमका के अलग अलग तरीके का काम वहाँ पर चल रहा है। मैं ये लोगों के सामने, जनता के सामने आज रखना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है, हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को एमएलएस को एमपीस को मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से बीजेपी से एक ही विनती है कि आप जनता के पास जाइए, आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है तेलंगाना के लिए, आपने क्या किया है देश के लिए, आपने क्या किया है वो बताइए, उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए। लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज़ करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है, 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया, उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, धरा दो, लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं, हम एक आंदोलन करके स्टेट को हासिल करके आज स्टेट में सरकार चला रहे हैं, आगे चल के भी हम जनता के लिए ही काम करेंगे, और हम बराबर मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करते ही रहेंगे। देखिए मोदी जी ने 2022 तक बहुत वादे किए थे, उन्होंने जवान को फेल कर दिया, इस किसान को फेल कर दिया, युवाओं को फेल कर दिया, हर एक सेक्शन में वो सिर्फ और सिर्फ फेल्यूर हो और कुछ भी नहीं है। देखिए आज ईडी के डायरेक्टर है उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता है, सेबी के डायरेक्टर है उनको एक्सटेंशन मिलता है, एसबीआई के डायरेक्टर है उनको एक्सटेंशन मिलता है रिटायर होने के बाद,
LIC के डायरेक्टर हैं, उनको एक्सटेंशन मिलता है। क्यों मिल रहा है इनको? क्योंकि जहां ये बोलेंगे वहां वो जनता की पैसा निवेश करेंगे और बाकी ये जो एजेंसी है वो जहां बोलेंगे वहां जाके काम करेंगे। तो मैं सिंपल सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछती हूँ, अग्निवीर में आप जो लोगों को, युवाओं को ले रहे हैं, उनको एक्सटेंशन दीजिए पहले। क्यों नहीं मिलेगा उनको एक्सटेंशन? क्यों ले रहे हो आप उनको 4 साल को? 4 साल के लिए उनको क्यों ले रहे हैं? 4 साल के लिए आप उनको लोगे, ट्रेनिंग दोगे, बाद में रस्ते पे छोड़ दोगे क्या? या जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं आपके ऑफिस में चौकीदार के नौकरी पे रखोगे? आर्मी कितना सेंटिमेंटली जुड़ता है देश के साथ, जनता के साथ, पूरा परिवार छोड़ के जान पे खेल के आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए बच्चे आते हैं। तो मैं आज यहां से डिमांड करती हूं मोदी जी से, आप 4 साल के लिए अग्निवीरों को ले रहे हो, उनका एक्सटेंशन दीजिए, परमानेंट कीजिए, क्योंकि आज भी आर्मी में 3.5 लाख वैकेंसीज है। तो मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, आपके फेल्यूर्स को छुपाने के लिए आप जिन जिन राज्यों में इलेक्शन चल रहा है उन राज्यों में आप जाके ये सारे केसेस डाल रहे हो और हम ज़रूर इनको फेस करेंगे। देखिए, फ्रेंडली उनके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उन पर कोई रेड नहीं होता है, फ्रेंडली उनके जितने भी बिजनेस हाउसेस है उन पर कोई रेड नहीं होता है, उन सबके लिए तो 7 खून माफ़ हो जाते हैं। अब अदानी जी ले लीजिए, बाकी बहुत लोग हैं, उन पर तो कुछ नहीं होता है। और आज तो इतना चर्चा है पूरे देश भर में कि देश में डबल इंजन सरकार चल रहा है, और ये 2 इंजन कौन है देश में? एक इंजन प्रधानी है, दूसरा इंजन अदानी है। तो ये हालत आज देश में है। तो ये बच्चा बच्चा जान चुका है, जिस तरीके से मोदी जी अपने आप को क्लीन बताते थे, साफ बताते थे, वो है नहीं। और श्रीलंकन गवर्नमेंट भी यहाँ आके बोल के गया है कि अदानी जी के लिए आप, मोदी जी खुद जाके बोले हैं कि इनको प्रोजेक्ट देना है। तो इस तरीके के सब बात सामने आ रहे हैं। तो ये छुपाने के लिए आप विपक्षों पे ईडी का वार कर रहे हो, वो ठीक है, हम विपक्ष हैं, जेल लेंगे, हम पॉलिटिशियन हैं, लेकिन जनता पे जो महंगाई का आप वार कर रहे हो ना, वो ज़रूर आपको आगे इलेक्शन में रिजल्ट दिखाएगा। मोदी जी आप काम उस पर करिए, मेरा विनंती ये है भारतीय जनता पार्टी से, प्लीज़ वर्क ऑन रिड्यूसिंग द प्राइसेस, प्लीज़ वर्क ऑन गिविंग मोर सब्सिडीज, प्लीज़ वर्क ऑन गिविंग मोर जॉब्स। वॉट विल यू गेट आउट ऑफ टॉर्चरिंग पीपल लाइक अस? आप करिए, हम बात करेंगे, हम ज़रूर फेस करेंगे ईडी को। लेकिन आपके BL संतोष जी से भी बोलिए, ज़रा हमारे तेलंगाना में आके सिट के सामने पेश हो जाए, आंसर करे, क्वेश्चंस आंसर करे। किस बात की डर है आप? हमने गलती नहीं किया, हम तो आ रहे हैं ईडी में, हम कल भी जाएंगे, आपको जो करना है करिए, जो लीगल कोर्स है, लीगल एक्शन है, हम पूरा आपसे कोऑपरेट करेंगे।